Hi everyone, this is Prem. Welcome to brand new series for class 7th and 8th English grammar. जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें यार कि हमने 7th 8th की English grammar की एक नई सीरीज स्टार्ट करी है और इस सीरीज का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स वो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है. जिन पढ़ाकू लोगों ने अभी उस चैप्टर को नहीं देखा है ऊपर इंफॉर्मेशन बटन आ रही होगी वहां पर क्लिक करो उस चैप्टर को जरूर देखो. नाउ अब सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स चैप्टर के बाद 7th 8th की इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है नाउन एंड इट्स टाइप्स. अब ये मत बोलो कि भैया बहुत इजी चैप्टर है हम तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें. बिलीव मी आपको डिफिनेशन ही जो याद है ना वही गलत याद है. करेक्ट करेंगे हम और इसके अलावा इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी हम इस वीडियो की लास्ट में करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना देखते ही चुटकियों में कर लोगे गुरु. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये देखो कि नाउन क्या होता है. बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इस दुनिया में हम जिस चीज को भी नाम दे सकते हैं वो नाउन कहलाता है. जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो हमने अपनी फीलिंग को एक नाम दे दिया है प्यार लव. अब ये जो लव वर्ड है ना ये नाउन है. क्यों? क्योंकि ये एक फीलिंग का नाम है. ठीक है ऐसे ही कोई भी चीज इस दुनिया में जिस चीज को हम कोई नाम दे सकते हैं जैसे हमने अपने बुक को नाम दिया हुआ है कि ये बुक है. जो भी चीज पढ़ने वाली होती है हम उसको एक नाम दे देते हैं कि बुक है ये. तो ये जो बुक वर्ड है ये भी क्या है नाउन है. गहराई से समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो. सिंपल एग्जाम्पल तो कोई भी दे सकता है. जो एक मॉडरेट एग्जाम्पल होता है हार्ड एग्जाम्पल वो तुम्हें मैं दे रहा हूं. समझो बस नाउन को. इस दुनिया में कोई भी चीज आपके माँ का जो प्यार है ठीक है माँ के प्यार को भी आपने एक नाम दिया हुआ है माँ का प्यार. तो ये भी क्या है एक नाउन है. समझ गए. चलो सिंपल सी डिफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी हुई है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग. जो नाउन है या तो किसी इंसान का नाम हो सकता है या किसी जगह का नाम हो सकता है या किसी चीज का नाम हो सकता है. हमने यही तो पढ़ा है ना. लेकिन क्या ये डिफिनेशन पूरी तरीके से करेक्ट है? नो. क्यों नहीं है? अब देखो भाई जो कुत्तों का नेम होता है अब ये जो डॉग वर्ड है ये तो ना इंसान है ना किसी जगह का है नाम है ना किसी चीज का नाम है. तो क्या ये जो डॉग वर्ड है नाउन नहीं है? है भाई साहब. तो इस डिफिनीशन में हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है. क्या ऐड करने की जरूरत है? हम इस डिफिनीशन को ऐसे कहेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग नहीं बल्कि हम कहेंगे नाउन इज नेम ऑफ एनी क्रिएचर. क्रिएचर. क्रिएचर मतलब क्या होता है? जीव जंतु इंसान सब आ गया. ठीक है किसी जगह के नाम को तो हम नाउन कहते ही कहते हैं किसी चीज के नाम को तो हम नाउन कहते ही कहते हैं. इसके अलावा जो हमारी फीलिंग्स होती हैं कैसी फीलिंग्स? हैप्पीनेस सैडनेस ठीक है लव हेट ये भी क्या है? ये भी नाउन है. इसके अलावा अगर किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी है क्वालिटी कैसी क्वालिटी? अगर कोई इंसान ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी उसकी क्या है? क्वालिटी है. और क्वालिटी का नेम भी नाउन होता है. ऑनेस्टी क्या है? नाउन है. विजडम बुद्धिमता क्या है? नाउन है. ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते ही नहीं है कि ये भी नाउन है. तो करेक्ट डिफिनीशन नाउन की क्या हो जाएगी कि नाउन इज नेम ऑफ एनी क्रिएचर प्लेस थिंग फीलिंग्स क्वालिटी आइडिया इन सारी चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल देखो जैसे देखो टेक्निकल गुरु जी वाले भैया है ना इनका क्या नाम है? इनका नाम है गौरव. अब इस लड़के का हमने एक नाम दे दिया है कि ये लड़का जिसने चश्मा पहना हुआ है जिसने लैपटॉप लिया हुआ है उसका नाम है गौरव. ठीक है तो ये जो गौरव वर्ड है ये क्या है? ये नाउन का काम करेगा. अब भाई 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 पबजी पबजी रोना आ गया. चलो याद आ गई पबजी की. देखो ये गेम आपको बड़ा पसंद है. अब अगर आप इस गेम का नाम नहीं जानते होते तो आप कैसे ऐप स्टोर से इस गेम को डाउनलोड करते? तो नाउन है. इसका नाम जो है ये भी क्या है? नाउन है. समझ गए. अब देखो हम किसी से प्यार करते हैं लव करते हैं ठीक है तो जो हमारी फीलिंग्स हैं हमने इसको नाम दिया है कि जो लव है वो भी क्या है? वो भी एक नाउन है क्योंकि लव हमने अपनी फीलिंग्स को एक नाम दे दिया है. इस गाड़ी को एक पहिए दो पहियों वाली गाड़ी जिसपे इंसान ऐसे स्टेयरिंग से चला सकता है उसको हमने एक नाम दे दिया है कार. तो कार वर्ड भी क्या है? नाउन है. ऐसा दिखने वाला जो जानवर है उसको हमने एक नाम दे दिया है डॉग कुत्ता. तो डॉग भी क्या है? हमारे लिए किस चीज का काम करेगा? नाउन का काम करेगा. तो आई थिंक नाउन समझ गए होंगे. चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं.
क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है यार, कि हम नाउन्स को ना कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नाउन का सिंपल सी चीज इतना समझ लो, इस दुनिया में तुम जिस भी चीज को नाम दे सकते हो, लैपटॉप एक नाम है, ठीक है, ऐसी चीज जो लैपटॉप जैसी चीज दिखती है उसको हमने नाम दे दिया है कि भाई ये लैपटॉप है, तो ये भी क्या है, ये भी नाउन है. जिस चीज को आप किसी की ना किसी नाम से जानते हो वो हमारे लिए नाउन का काम करेगा. अब देखो इतने सारे वर्ड्स जो नाउन की कैटेगरीज में आते हैं, तो नाउन बेचारा इतना थक गया है कि वो अपना जो अपनी जो बर्डन है, अपना जो बोझा है ना, वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है. वो कहता है कि अगर नाउन को उसके यूज के हिसाब से डिवाइड करोगे तो नाउन फाइव टाइप्स के होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन. सॉरी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते रहना. हाँ, तो बेस्ड ऑन यूज, अगर नाउन को हम उसके यूज के हिसाब से, उसका क्या प्रयोग होता है सेंटेंस में, उसके हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो नाउन होता है वो फाइव टाइप्स का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आज तक इन्हीं फाइव टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में आपने पढ़ा है, आपने इनके बारे में पढ़ा है लेकिन नॉट इन डिटेल, ठीक है. तो आज हम इन तीनों के बारे में विद फुल डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. इतना जानते रहो, अगर हम नाउन को उसके यूज के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो नाउन फाइव टाइप्स के होते हैं. अगर हम नाउन को नंबर्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे कि जो कोई पर्टिकुलर नाउन है वो नंबर में कितना है, एक है, दो है, तीन है, दस है, तो हम नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन. मतलब इस दुनिया में जितने भी नाम होंगे या तो वो एकवचन होगा या तो वो बहुवचन होगा, यही तो होगा ना भाई. बेस्ड ऑन जेंडर, अगर हम जेंडर के बेस पे डिवाइड करें तो हम नाउन को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितनी भी नाम वाली चीजें हैं वो या तो मेल है, वो या तो फीमेल है, या तो वो न्यूट्रल जेंडर है. न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है, या तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यही तो है ना भाई, या तो इस दुनिया में फादर है, फ्रेंड है, उसके बाद आपके अंकल हैं, टीचर हैं, ये सब मेल जेंडर में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं. अब आपकी मदर हो गई, आंट हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, ये सब फेमिनिन जेंडर में आती हैं क्योंकि ये फीमेल है. और बाकी जितनी भी चीजें बसती हैं, वो जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो हमारी बुक हो, चाहे वो हमारी पेन हो, चाहे वो हमारी कॉपी हो, कुछ भी हो, ठीक है, समझ में आया. अब हमने ये देखा कि हम नाउन को अगर यूज के हिसाब से डिवाइड करें तो नाउन फाइव टाइप्स का होता है, अगर हम नंबर के हिसाब से डिवाइड करें तो नाउन हमारा टू टाइप्स का होता है, जेंडर के बेस पे डिवाइड करें तो थ्री टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं. अब हम इनको अलग अलग स्लाइड में एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहला वाला है कि यूज के अकॉर्डिंग हम नाउन को फाइव टाइप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला वाला कौन सा है, सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन. अब देखो प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब सीधा सीधा इतना जान के चलो, नाउन का मतलब होता है नाम, ऐसा नाम जो प्रॉपर हो, किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग का कोई प्रॉपर या कोई अपना नाम है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है. इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन है कि नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रिएचर, किसी जीव जंतु इंसान का जो पर्टिकुलर, जो कोई अपना नाम होता है या किसी जगह का कोई अपना नाम है या किसी चीज का कोई अपना नाम है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक लड़का है, ठीक है, इस लड़के का अगर कोई पर्टिकुलर नाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है प्रेम, तो ये मेरा पर्टिकुलर, मेरा अपना नाम है, तो प्रेम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं, राम एक लड़का है और किसी लड़के का ही ये प्रॉपर नेम है, इसलिए राम क्या है, प्रॉपर नाउन है. श्याम किसी लड़के का ही तो नाम है ना ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, श्याम भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा. पबजी, पबजी क्या है, नेम ऑफ अ गेम, गेम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसी गेम में जो पबजी है वो एक अलग नेम है, ये पबजी इस गेम का अपना नाम है, इसलिए पबजी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी एक यूट्यूबर है, अगर हम यूट्यूबर बोलें तो यूट्यूबर तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कैरी मिनाटी इस यूट्यूबर का अपना पर्टिकुलर नेम है, इसलिए कैरी मिनाटी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. एजुकेशनल हाइक्स, चैनल तो बहुत सारे हैं पढ़ने वाले लेकिन एजुकेशनल हाइक्स जहां पर आप पढ़ते हो ये इस चैनल का अपना नेम है,
पर्टिकुलर नेम है, इसलिए एजुकेशनल हाइट्स क्या है, प्रॉपर नाउन का काम करेगा। इलाहाबाद किसी जगह का पर्टिकुलर नेम है, टफी किसी कुत्ते का पर्टिकुलर नेम है, और ये सारी चीजें जो किसी ना किसी क्रिएचर की, किसी ना किसी जगह की, या किसी ना किसी चीज का जो पर्टिकुलर कोई अपना नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, कॉमन नाउन क्या होता है? अब देखो, प्रॉपर मतलब सटीक, पर्टिकुलर या कोई अपना नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया भाई? नाउन का मतलब तो वही होता है नाम, ऐसा नाम जो कॉमन हो, जिस नाम से हम सबको बुला सकें, उस कैटेगरी के सभी लोगों को बुला सके, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। देखो इसकी डिफिनीशन क्या है, नेम ऑफ कैटेगरी ऑफ अ क्रिएचर प्लेस और थिंग। अगर कोई जीव जंतु है तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई जगह है तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या कोई चीज है तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस कैटेगरी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर मेरे पास तीन ब्रांड के फैन है, मेरे पास उषा कंपनी का फैन है, मेरे पास हैवेल्स कंपनी का फैन है, हैवेल्स, ठीक है, और मेरे पास ओनिडा कंपनी का फैन है, मेरे पास तीन अलग अलग कंपनीज के फैन हैं, इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है, इन तीनों नाम में कॉमन क्या है? कॉमन तो यही है ना भाई, कि चाहे उषा का हो, चाहे हैवेल्स का हो, चाहे ओनिडा का हो, है तो ये पंखा ही। तो फैन क्या है? फैन हमारा कैटेगरी ऑफ दिस नाउन, ठीक है। इन नाम के कैटेगरी क्या है, इन नाम की कैटेगरी ये है कि ये तीनों चीजें फैन है, और इसलिए फैन हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन का काम करेगा। ऐसे ही देखो एग्जांपल और देख लेते हैं, बॉय, लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, राम, श्याम, जैसे मैं, प्रेम, तुम्हारा भी नाम कुछ ना कुछ होगा ही। हम सब क्या है, हम सबकी कैटेगरी क्या है, हम सबकी कैटेगरी ये है कि हम बॉय हैं। लड़कियां, लड़कियों का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है कि वो लड़कियां हैं, वो गर्ल हैं, ठीक है। किंग, राजा अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भाई मुगलों में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, ठीक है, राजपूतों में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, जैसे आप कह सकते हो महाराणा प्रताप, ठीक है, तो इनका अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन इन सारी चीजों में, इन सारे राजाओं में कॉमन ये है कि ये किंग है, ये राजा है, और राजा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि इन सभी किंग्स की कैटेगरी क्या है, कैटेगरी तो यही है ना कि ये राजा है। क्वीन, भाई रानियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सभी रानियों में जो कॉमन है, जो कैटेगरी है उनकी, ये है क्वीन, कि वो क्या है, वो रानी है। स्कूल, अब स्कूल कोई भी हो, चाहे स्कूल देहरादून पब्लिक स्कूल हो, चाहे इंडियन पब्लिक स्कूल हो, कोई स्कूल हो, लेकिन है तो वो स्कूल ही ना, तो स्कूल क्या हो जाएगा, नेम ऑफ कैटेगरी हो जाएगा, इसलिए स्कूल भी कॉमन नाउन का काम करेगा। लैपटॉप, अब लैपटॉप, मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं एचपी का, हो सकता है आप एप्पल का यूज कर रहे हो सकता है कोई लेनोवो का यूज कर रहा हो, लेकिन इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है, कॉमन तो यही है ना कि ये लैपटॉप है, और इसीलिए लैपटॉप हमारी कॉमन नाउन में आता है। ऐसे ही फैन हो गया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, टीवी का भी एग्जाम्पल यही है। समझ में आया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है? चलो चलते हैं मटेरियल नाउन। नाम से ही क्लियर है, मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जितनी भी इस दुनिया में मटेरियल्स हैं, मटेरियल क्या होता है पहले ये जान लो, नेम ऑफ एनी मटेरियल, किसी पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन में आता है। मटेरियल किसे कहते हैं ये जान लो, जो चीजें धरती के अंदर से निकाली जाएं, या जिस चीज के मदद से हम किसी दूसरी चीज को बना सकें, उस चीज को हम मटेरियल कहते हैं। जैसे देखो, सोना, गोल्ड, गोल्ड धरती के अंदर से निकाला जाता है, इसलिए ये क्या है, ये मटेरियल है, और ये मटेरियल नाउन में आएगा। सिल्वर धरती के अंदर से निकाला जाता है, और इसीलिए ये भी मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक, प्लास्टिक ये धरती के अंदर से नहीं निकाला जाता, लेकिन प्लास्टिक की मदद से कोई दूसरी चीज हम बना सकते हैं कि नहीं, प्लास्टिक से हम चेयर बना सकते हैं, प्लास्टिक से भाई हम टेबल बना सकते हैं। तो जिस चीज की मदद से हम कोई दूसरी चीज बना लें, तो वो मटेरियल मटेरियल नाउन में आता है। समझ में आया? वुड, लकड़ी, लकड़ी की मदद से हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, लकड़ी के आजकल डेकोरेशन के सामान आते हैं, लकड़ी के चेयर भी आते हैं, तो इनका मटेरियल, इस चेयर का मटेरियल या कोई डेकोरेशन का सामान है तो उसका मटेरियल क्या है, उसका मटेरियल ये है कि ये वुड, लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। कॉटन, कॉटन मतलब क्या होता है, रुई, ठीक है, रुई से आप जानते हो, कॉटन से आगे चलकर क्या बनता है, थ्रेड, धागा बनता है, और इसी थ्रेड से हमारे क्लोथ्स बनते हैं।
है कि नहीं है? तो भाई क्लोथ्स किससे बनते हैं? कॉटन से। तो कॉटन हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन का काम करेगा। सिल्क, सिल्क का मतलब होता है रेशम, हमने सुना होगा रेशम के कपड़े। पहले सिल्क से क्या बनता है? सिल्क से सिल्क का धागा बनेगा, फिर सिल्क के कपड़े बनेंगे, क्लोथ बनेगा। अब ये जो सिल्क का क्लोथ है वो बना किससे है? बना तो सिल्क से ही है ना, तो सिल्क इस कपड़े का मटेरियल हो जाएगा। तो मटेरियल नाउन समझ गए, जो भी चीजें धरती के अंदर से निकाली जाएं या जिस चीज की मदद से हम किसी दूसरी चीज को बना सकें वो चीज मटेरियल नाउन कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। नाम से ही क्लियर है, ऐसा नाम जो किसी चीज के कलेक्शन को दिया जाए। अगर कोई सेम दिखने वाली चीज एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम कुछ नाम दे देते हैं, उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखो, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, किसी जीव जंतु के ग्रुप समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, किसी जगह के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, या किसी चीज के ग्रुप को भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्राउड, क्राउड किसे कहते हैं? अगर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों की क्या लगी हुई है? भीड़ लगी हुई है, तो ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज क्राउड। समझ में आया? बैच, बैच क्या होता है? स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो बन जाता है बैच। टीम, टीम क्या होता है भाई? प्लेयर्स, आपके यहाँ क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, जो बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाते हैं तो वो बन जाता है टीम। समझ गए कि नहीं? देखो, एक जैसे दिखने वाली चीजों का अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का हमने कोई नाम दिया है तो वो नाम कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे देखो, आर्मी, एक जैसे ही लोग हैं, सभी ने आर्मी का कपड़ा पहना हुआ है और सभी लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को हम आर्मी कहेंगे। जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी क्या है? वो सभी तो एक ही जैसे दिखते हैं ना, तो इसलिए उनके ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। अब मेजॉरिटी जो वर्ड है, जो माइनॉरिटी वर्ड है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भैया? ऐसा नाम जो अब्स्ट्रैक्ट हो, ऐसा नाम जिसे ना हम देख सके ना हम टच कर सके, केवल फील कर सकें, ऐसे नाम को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर से समझो इसकी डिफिनीशन, ऐसी चीजें जिसे ना हम देख सके ना छू सके, केवल महसूस कर पाएं, ऐसे नाउन्स को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी, अगर कोई कोई लड़का ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ईमानदार है, इसलिए ऑनेस्टी क्या है? इसलिए ऑनेस्टी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। लव, हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपना प्यार उसे दिखा नहीं सकते ना ही उसे टच करा सकते हैं, बल्कि उसके प्यार को या अपने प्यार को हम उसे फील करा सकते हैं, तो लव भी हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही हेट, किसी से घृणा करना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस, खुश होना, खुश होना ये भी एक क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस, दुख होना, दुखी होना, ये भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दुख को ना आप देख सकते हो ना टच कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो। गॉट इट? मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो गया, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे इंग्लिश, चाहे हो गया आपका साइंस, आप इन सब्जेक्ट को ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, इनके किताबों में लिखे वर्ड्स को आप देख सकते हो टच कर सकते हो, लेकिन क्या आपने कभी मैथमेटिक्स को देखा है? नहीं ना, आपने मैथमेटिक्स के सवालों को देखा होगा, आपने मैथमेटिक के क्वेश्चंस को देखा होगा, आपने मैथमेटिक को देखा है क्या भाई? ये मैथमेटिक कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं देखा ना? तो मैथमेटिक भी हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। बेस्ड ऑन जेंडर, अगर हम जेंडर के बेस पे डिवाइड करें तो नाउन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इस दुनिया में जितनी भी नाम वाली चीजें हैं वो या तो लड़का है, वो या तो लड़की है, या तो वो न्यूट्रल जेंडर है, मतलब नॉन लिविंग है। मैस्कुलिन जेंडर की डिफिनीशन क्या हो गई? जितने भी मेल हैं इस दुनिया में वो सभी मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे बॉय मेल है, अंकल मैस्कुलिन जेंडर, ब्रदर ये भी मेल है और इसलिए मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, जेंट्स मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, एक्टर मेल है और इसीलिए ये मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई, आपका फ्रेंड हो गया, समझ गए, आपके टीचर हो गए, आपका अगर कोई घर में दादा है तो ग्रैंडफादर भी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन का सीधा सा मतलब ये होता है महिलाएं, ठीक है। इस दुनिया में ऐसे नाउन्स जो फीमेल नाउन है उन्हें हम फीमेल या
फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, जैसे गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, फेमिनिन जेंडर का नाउन है, समझे, आंटी, आंटी क्या है, आंटी एक वुमेन है, लड़की है, और इसीलिए आंटी को भी हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। ब्रदर, ब्रदर कहां से आ गया, सॉरी इसको कट करते हैं, जेंट्स को भी कट करते हैं, ये सब क्या आ गया, सॉरी ये वाला यहां से कॉपी होके यहाँ पे आ गया, ब्रदर की जगह लिख सकते हो सिस्टर, ठीक है, जेंट्स की जगह आप लिख सकते हो लेडीज, एक्टर की जगह आप लिख सकते हो एक्ट्रेसेस, ये सारी चीजें क्या है, फेमिनिन जेंडर में आती हैं, महिलाएं हैं ये सब, ठीक है, गर्ल, आंटी, सिस्टर, लेडीज, एक्ट्रेसेस, ये सब फेमिनिन जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर देखते हैं, न्यूट्रल जेंडर क्या है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आती हैं, जैसे देखो बुक नॉन लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है, मोबाइल जिंदा तो नहीं है ना, नॉन लिविंग ही तो है ना, ये लैपटॉप, लैपटॉप भी नॉन लिविंग है, जिंदा तो है नहीं है, चेयर, चेयर भी तो जिंदा नहीं है ना, नॉन लिविंग ही है। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट स्लाइड बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के बेस पर हम नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम कोई ना कोई नाम दे सकते हैं वो या तो एक है या तो वो एक से ज्यादा है, यही तो है ना, कोई भी नाम तुम लिख के देख लो, या तो वो नाम एक है या तो वो नाम प्लूरल है। जैसे देखो सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, इट डिनोट्स वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। अगर कोई जीव जंतु अकेला है, वन है, या अगर कोई जगह है जो अकेला है, या कोई चीज है जो वन है नंबर में, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे देखो चूहा, रैट, एक ही चूहा तो है ना, माउस, एक ही माउस है, टूथ, टूथ क्या होता है, दांत, एक ही दांत को हम टूथ कहते हैं, बहुत सारे दांत को हम टीथ कहते हैं, गॉट इट। मैन, मैन मतलब एक आदमी, विमेन मतलब एक औरत, गर्ल मतलब एक लड़की, अगर गर्ल्स हो जाता तो बहुत सारी लड़कियां हो जाती, समझ गए। तो ये हो गया सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है, पहले ये देख लो, एक से ज्यादा नाउन्स को हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे देखो कोई जीव जंतु या कोई इंसान, अगर मोर देन वन है, अगर एक से ज्यादा है, तो वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आता है। कोई प्लेस, कोई जगह अगर एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें पिलग्रिम, पिलग्रिम, पिलग्रिम क्या है, पिलग्रिम एक जगह है जहां पर श्रद्धालु लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, घूमने, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है इंडिया में, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो ये क्या है, ये प्लूरल नाउन है। पिलग्रिम भी क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, पिलग्रिम्स अगर करते हैं हम तो। थिंग, चीजों के नाम को भी, अगर कोई चीज एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल नाउन में आता है। जैसे देखो यहाँ पर रैट्स, चूहे, एक से ज्यादा है कि नहीं है। माइस, माइस मतलब, माइस मतलब भी चूहे होते हैं, एक से ज्यादा है। टीथ, टीथ मतलब एक से ज्यादा टीथ, ठीक है, टूथ, एक से ज्यादा दांत को हम टीथ कहते हैं। मेन, आदमी, एक से ज्यादा आदमी को हम मेन कहते हैं। वीमेन, जो ई लग गया ना इसकी वजह से एक से ज्यादा औरतें हो गई। गर्ल्स, एस लगने की वजह से एक से ज्यादा लड़कियां हो गई। तो समझ गए, अगर कोई भी नाउन एक से ज्यादा है नंबर में तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं, अगर कोई नाउन केवल एक ही है गिनने में या नंबर में तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। आई थिंक आपको यहां भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस वीडियो का मोस्ट अवेटेड पार्ट, एक्सरसाइजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नाउन, समझ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर वन है कि आपके सामने ये 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये 10 सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं। इन 10 सेंटेंसेस का आपको करना क्या है, आपको पहचानना है कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, मटेरियल नाउन कौन सा है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, ये आपको पहचानना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है, जवाहरलाल नेहरू, ये भी नाउन है, और जवाहरलाल नेहरू हम नाम लेते ही किसको याद करते हैं, टोपी वाले चाचा को, याद है ना, चाचा नेहरू याद होगा आपको, तो ये इनका पर्टिकुलर नेम है, और जो पर्टिकुलर नेम होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है। किस नाउन में आता है, प्रॉपर नाउन में। प्राइम मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और बहुत सारी जगहों के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, समझ में आया। इंडिया, अब इंडिया
किसी देश का पर्टिकुलर नेम है, इसलिए इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन का काम करेगा। समझ में आया इस सेंटेंस में क्या क्या है? इस सेंटेंस में जितने भी नाउन है उस नाउन को आपको अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि वो कौन से तरीके के नाउन है। जैसे जवाहरलाल नेहरू किसी इंसान का पर्टिकुलर कोई अपना नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन का काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। इंडिया तो बहुत सारा हो नहीं सकता, इंडिया किसी देश का पर्टिकुलर नाम है कि नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आता है। गॉट इट। चलो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द बॉय हमारा नाउन है, ऑनेस्टी भी हमारा नाउन है। अब आपको देखना है कि ये बॉय कौन सा नाउन है और ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, जल्दी जल्दी बताओ। बॉय लड़का, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, राम श्याम, ठीक है, प्रज्वल उज्ज्वल प्रेम, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है? उनकी कैटेगरी ये है कि वो बॉय है, ठीक है। और कैटेगरी वाले नाउन्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी क्या है? क्या आप ईमानदारी को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। क्या ईमानदारी को छू सकते हो? नहीं छू सकते ना, केवल आप फील कर सकते हो। अगर कोई आपके साथ ईमानदारी करता है तो आप उस ईमानदारी को केवल महसूस कर सकते हो। आप जिस चीज को फील कर सकते हो वो चीज अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। कौन सी नाउन कहलाती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी एन एप्पल, यहां पर एक ही नाउन है एप्पल। अब बताओ एप्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं है? तो एप्पल हमारा क्या है? कॉमन नाउन में आता है, कॉमन नाउन। समझ में आया? चलो आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एट वंस, यहां पर नाउन क्या है? वॉइस, आवाज। अब देखो आवाज को ना आप देख सकते हो, आवाज को ना आप छू सकते हो, केवल आवाज आ रही है इस चीज को आप महसूस कर सकते हो। गॉट इट। तो वॉइस क्या है हमारा? वॉइस हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? आपने किसी आवाज को देखा है क्या? अरे भाई आवाज आ रही है आने दो, ऐसा थोड़ी ना देखा है आपने। ना आपने किसी आवाज को टच किया है, और आप जिस चीज को ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो वो चीज अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। समझ में आया? अब देखो यहां पर नाउन क्या है? यू तो नाउन है नहीं, शुड भी नाउन नहीं है, टेल लाई झूठ, झूठ एक नाउन है। ना आप झूठ को देख सकते हो, ना आप झूठ को टच कर सकते हो, केवल कोई झूठ बोल रहा है आप इस बात को फील कर सकते हो। जिस चीज को आप फील कर सकते हो वो कौन सा नाउन है? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, रिचेस का मतलब क्या होता है? धन। अब देखो विजडम, कोई कितना बुद्धिमान है क्या आप इसे देख सकते हो? नहीं देख सकते यार। आप इसे टच कर सकते हो? नहीं कर सकते यार। आप किसी की बुद्धिमानी को केवल फील कर सकते हो, इसलिए विजडम कौन सा नाउन है? विजडम हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आया? रिचेस का मतलब होता है धन या संपत्ति, ठीक है। तो क्या आपने किसी की संपत्ति को देखा है कि वो कितना अमीर है? नहीं। क्या आपने किसी संपत्ति को फील किया है, किसी के रीचेस को आपने फील किया है क्या कि ये इतना अमीर है? जैसे देखो अंबानी भाई बहुत ज्यादा अमीर है। क्या आपने देखा है कि अंबानी कितना अमीर है? 10 अमीर है, 20 अमीर है, 30 अमीर है, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए जिस चीज को आप देख ना सको, जिस चीज को आप टच ना कर सको, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। ही इज ऑन द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जज होते हैं ना, अगर बहुत सारे जज हो गए तो उनके ग्रुप को हमने नाम दे दिया ज्यूरी। अब देखो ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया ये? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना, ये दोनों कौन से नाउन है? सिंपल सी बात है, सिल्वर की मदद से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, गोल्ड की मदद से भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो ये दोनों कौन सा नाउन है? ये दोनों मटेरियल नाउन है। समझ गए? क्योंकि चांदी हो गया या सोना हो गया, ये दोनों चीजें मटेरियल ही हैं। मेटल्स, मेटल भी एक नाउन है। अब मेटल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गोल्ड हो सकता है, मेटल है, सिल्वर हो सकता है, ये भी मेटल है, लोहा हो सकता है, ये भी मेटल है। अब इन सारे मेटल्स का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है मेटल, इसलिए मेटल हमारा कौन सा नाउन हो गया?
कॉमन नाउन हो गया. आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा. चलो नेक्स्ट चलते हैं. स्टिल वाटर रन डीप. वाटर पानी. अब भाई देखो पानी क्या है? पानी कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है जल्दी बताओ? वाटर. अब देखो वाटर बहुत तरीके के हो सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ आजकल पैकेटों में आने लगा है पानी, जल, नीर, एक्वाफिना, पता नहीं क्या क्या. तो जो वाटर है हमारा वो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन. समझ में आया? क्योंकि सभी प्रकार के पानियों को हम पानी ही कहते हैं, चाहे वो खारा पानी हो चाहे वो मीठा पानी हो. समझ में आया? लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. अब देखो यहां पर तीन नाउन है. कैकलिंग, कैकलिंग का मतलब ठहाके मारकर हंसना. कैकलिंग क्या है? किसी के हंसने को आप केवल फील कर सकते हो. तो कैकलिंग हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. गीज, गीज मतलब हो गया बहुत सारे बत्तख. ठीक है, बहुत सारे बत्तख. अब देखो गीज क्या है? कॉमन नाउन है. बत्तख क्या है? कॉमन नाउन है. अब हमने बत्तख का कोई नाम रख दिया झुमकिया. अब झुमकिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना. लेकिन जब तक हमने उसका नाम नहीं रखा है तब तक तो वो बत्तख ही है. और बत्तख क्या है? कॉमन नाउन है. रोम, रोम किसी जगह का पर्टिकुलर नेम है और पर्टिकुलर नेम होने के कारण ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा. आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा देखो यार, मतलब यहाँ पर ओवर राइटिंग हो जा रही है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड लास्ट टू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस वीडियो. इस स्लाइड के बाद, इस वीडियो में कोई भी स्लाइड नहीं रखी है हमने, और यहां तक पढ़ने के बाद आपको नाउन के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा. चलो क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि आप इन दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए और अंडरलाइन करिए कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और जो अनकाउंटेबल नाउन हो उन्हें सर्कल करना है आपको. देखो आपको इन पांचों सेंटेंसेस में ऐसे नाउन ढूंढने हैं जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. अब देखो ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे. ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल है, उन्हें हम सर्कल करेंगे. जैसे स्टार्ट करते हैं, नाउन कहां है पहले ये देखो. ही स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन नाउन है, कंप्यूटर भी नाउन है. अब आप क्या किसी के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को गिन सकते हो? जैसे मुझे किसी ने बात बता दी कि भाई वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई. अब जो इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, तो क्या मैं इसे गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता भाई. तो इसको मैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखूंगा, अनकाउंटेबल. अब बताओ कंप्यूटर को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते. एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर गिन सकते हो. इसलिए कंप्यूटर कौन सा नाउन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? चलो दूसरा देखते हैं. इसमें कौन कौन सा नाउन है? स्प्रेड द टॉवल, तौलिया नाउन है, और बालू, सैंड नाउन है. क्या आप टॉवल को गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हो भाई. मेरे पापा के पास एक टॉवल है, मेरे पास एक टॉवल है, तो मेरे पास कितने टॉवल हो गए? दो. हम इसे गिन सकते हैं कि नहीं? जब गिन सकते हैं तो ये भाई काउंटेबल नाउन हो गया. समझ में आया? अब जिसे नहीं गिन सकते, जैसे बालू, बालू को गिनो, कभी नहीं गिन पाओगे, तो बालू क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. इसमें क्या है? देयर इज बैरली एनी फर्नीचर. बैरली मतलब मात्र. ठीक है, तो बैरली तो कोई नाउन नहीं है, लेकिन फर्नीचर नाउन है और रूम भी नाउन है. क्या आप फर्नीचर को गिन सकते हो? नहीं. ध्यान से समझना इसको. दो चीजें होती हैं, एक है फर्नीचर और इसके बाद इस फर्नीचर से बनाया हुआ चेयर, इसको भी हम फर्नीचर ही कहते हैं. आप चेयर को गिन लोगे लेकिन फर्नीचर को नहीं गिन पाओगे. इसलिए फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारे लिए अनकाउंटेबल है. समझ में आया? अनकाउंटेबल है. रूम, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम गिन सकते हो कि नहीं? इसलिए रूम क्या है? काउंटेबल नाउन है. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो चौथा वाला देखते हैं क्वेश्चन. द टायर्ड पीपल, लोग सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. क्या आप लोगों को गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हैं. इसलिए पीपल क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा. कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन. ग्राउंड जमीन, कितना जमीन है? एक जमीन, दो जमीन, तीन जमीन, ऐसा थोड़ी ना गिन सकते हो तुम. ठीक है, तो ग्राउंड हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा. कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन. चलो पांचवा देखते हैं. एन ओल्ड सॉन्ग, एक पुराना गाना, सॉन्ग, गाना को गिन सकते हो? एक गाना, दो गाना, तीन गाना, बिल्कुल गिन सकते हो. ठीक है, तो सॉन्ग हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है. हा? जैसे भाई छैया छैया एक गाना हो गया, छम्मक छल्लो दो गाना हो गया. ठीक है, तो दो गाने हो गए तो हम गाने को गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया.
और कौन सा नाउन है? रेडियो। रेडियो, रेडियो को गिन सकते हो? नहीं। हाँ भाई, एक दादा के पास रेडियो है, एक मेरे पास रेडियो है, एक तुम्हारे पास रेडियो है, तो टोटल रेडियो कितने हो गए? 3 रेडियो हो गए। और जिस चीज को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया आपको कि कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं, कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं? चलो, अब इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में हमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ नाउन भरने हैं ब्रैकेट में। करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन, जैसे देखो यहां पर दिया गया है कौन सा प्लूरल भराएगा या सिंगुलर भराएगा, ये आपको देखकर यहां पर फिलअप करना है। चलो पढ़ते हैं कि अ लार्ज डैश इज एक्सपेक्टेड। अब देखो यहां पर अ दिया है, अ मतलब क्या होता है? एक। अब यहां पर ऑलरेडी एक दे दिया गया है तो यस वाला तो लगेगा नहीं, केवल कौन सा लगेगा? क्राउड। यहां पर हम क्या भरेंगे? क्राउड। क्यों भाई? क्योंकि सॉरी क्राउड्स नहीं होगा, यहां पर क्राउड होगा। क्राउड मतलब होता है भीड़, क्राउड्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। समझ गए? द पेयर ऑफ, द पेयर ऑफ किस चीज का पेयर होता है? शू का या शूज का? शूज तो कुछ होता ही नहीं है, शू ही सही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर पेयर दे दिया गया है। पेयर मतलब होता है दो, दो जोड़ी जूते। जूते को हम क्या कहते हैं? शू कहते हैं, शूज नहीं कहते। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। दीज डैश वर फाउंड देयर। अब देखो जो वर है, वर का मतलब क्या है? वर प्लूरल वर्ब है। जब प्लूरल वर्ब है वर्ब वर, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का भी यूज होगा, ग्लव्स। दीज ग्लव्स, V-E-S, these gloves were found there. अब ये सही है, क्यों? क्योंकि वर भी हमारा प्लूरल और gloves भी हमारा प्लूरल। चलो many, many peoples तो कुछ होता ही नहीं है, तो people's word काट दो, many people हम करेंगे, many people have visited us. समझ में आया? The, the Caesar's नाम का कोई चीज नहीं होता, Caesar होता है। ठीक है, सीजर मतलब क्या होता है? सीजर मतलब होता है भाई कैची। याद रखना, हम कैची को, सीजर को कभी भी प्लूरल नाउन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीजर जो होता है वो खुद में ही प्लूरल है। समझ में आया नहीं आया? तो आई थिंक आपको ये तीनों एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया यार तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दबा के शेयर करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आ पाए हम लोग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।